नरमा कपास किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, चीन द्वारा नवंबर शिपमेंट के सौदे या कारोबार शुरू करने की सूचना है किसान भाइयों, जिससे नरमे के भाव में तेजी देखने को मिलेगी। आगे कैसा रहेगा कपास और नरमे का भाव? कपास के भाव का अनुमान 2021-22 की बात करें तो वर्तमान में कृषि मंडियों में कपास की मांग ज़्यादा नहीं है, बावजूद इसके कपास के दामों में गिरावट नहीं आई और भाव भी अच्छे बने हुए हैं। कृषि जानकारों की माने तो आने वाले 15-20 दिनों में नरमा और कपास के भाव में और तेजी देखने को मिल सकती है। सितंबर 15 के बाद कपास के भाव में 400 से 600 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जिन किसान भाइयों के पास कपास का अभी स्टॉक है उन्हें और थोड़ा इंतजार करना चाहिए, 15 सितंबर के आसपास भाव में उतार चढ़ाव देखने के बाद ही अपना माल एक साथ सारा न बेच करके 2 से 3 भागों में बेचें। सफ़ेद सोना यानी कपास की खेती इस साल किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित होगी। वैश्विक बाजार में रुई के दाम में आई तेजी के बाद कपास के भाव और ज़्यादा तेज हो गए हैं। किसान सरकारी एजेंसी की खरीद के मोहताज नहीं रहे। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल गणात्रा ने बताया, सफ़ेद सोना वाकई इस साल किसानों को सोना बन गया है। सरकार ने कपास लंबा रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य जहां 5825 रुपये से बढ़ाकर 6027 रुपये किया था, तो वहीं शॉर्ट स्टेपल यानी नरमा के भाव 5515 रुपये से बढ़ाकर 5725 रुपये प्रति क्विंटल MSP रखा गया है। नरमा और कपास दोनों ही कृषि जिनसे अपने MSP प्राइस से ज़्यादा में बिक रही है, जो आगे भी लगातार जारी रहे।